नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RBSC विद HSM में। गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय बांसवाड़ा के द्वारा ऑनलाइन परीक्षा आवेदन 2020, नवीन आवेदन 2020 से 2021 एवं अस्थायी प्रवेश आवेदन पत्र 2020 से 2021 में आवेदन करने की तिथियां बढ़ा दी गई है। इस वीडियो के माध्यम से हम इस संदर्भ में जारी विभिन्न नोटिफिकेशंस के संदर्भ में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमें लॉगिन होना होगा गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय बांसवाड़ा की वेबसाइट पर। इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दिया गया है। जैसे हम वेबसाइट पर लॉगिन होंगे, हमें इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। न्यूज एंड सर्कुलर पर 14 अगस्त 2020 का नोटिफिकेशंस, 21 सेमेस्टर एग्ज़ाम फॉर्म डेट एक्सटेंड का जो नोटिफिकेशन है दिखाई देगा। इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही एक नया व्यू पेज ओपन होगा। तो हम यहां देख सकते हैं अपलोड ऑन 14 अगस्त 2020 और 11 अगस्त 2020। सबसे पहले हम बात करेंगे 14 अगस्त 2020 के संदर्भ में। डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही एक पीडीएफ फाइल डाउनलोड होगी। इसे डाउनलोड करके इस प्रकार आसानी से देखा जा सकता है। चौदह आठ 2020 को यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है, अधिसूचना जारी की गई है। ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र 2020 विश्वविद्यालय परीक्षा 2020 हेतु जारी अधिसूचना संख्या 20 में उल्लेखित ऑनलाइन परीक्षा आवेदन की अंतिम तिथि 20/8/2020 तथा बैंक में चालान जमा कराने की अंतिम तिथि 21/8/2020 तक बढ़ाई जाती है। तो हम यहाँ देख सकते हैं अधिसूचना संख्या 20 के संदर्भ में जानकारी लेंगे। अधिसूचना 20 संख्या 4 अगस्त को अपलोड की गई थी, तो इसको हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही एक पीडीएफ फाइल डाउनलोड होगी, जिसे इस प्रकार आसानी से डाउनलोड करके देखा जा सकता है। तो 4/8/2020 को नोटिफिकेशन जारी किया गया था और इसकी अंतिम तिथि जो निर्धारित की गई थी 13 अगस्त 2020 आवेदन पत्र जमा कराने की और 14 अगस्त 2020 बैंक में चालान जमा कराने की तिथि थी। अब इसे बढ़ा दिया गया है, इसे आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 20 अगस्त कर दी गई है और यहां पर बैंक में चालान जमा कराने की तिथि 21 अगस्त कर दी गई है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं पाठ्यक्रम का नाम है MSc केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, मैथमेटिक्स सेकेंड एंड फोर्थ सेमेस्टर, MBA सेकेंड एंड फोर्थ सेमेस्टर, BBA सेकेंड फोर्थ एंड सिक्स सेमेस्टर। तो इनकी जो तिथियां हैं वो बढ़ा दी गई हैं। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट नोटिफिकेशन के संदर्भ में। 11 अगस्त 2020 को जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था एडमिशन डेट एक्सटेंड के संदर्भ में, विश्वविद्यालय द्वारा सत्र 2020 से 2021 में होटल मैनेजमेंट 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स में नवीन प्रवेश के लिए आवेदन पत्र दिनांक 30/7/2020 से आमंत्रित किए गए थे। तिथि बढ़ाकर 25/8/2020 की जाती, जिसमें प्रवेश आवेदन फॉर्म वेबसाइट अथवा विश्वविद्यालय परिसर से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो यह हम देख सकते हैं
होटल मैनेजमेंट वन ईयर डिप्लोमा कोर्सेज में आवेदन करने की तिथि भी 25/8/2020 कर दी गई है। और इसी के साथ में निम्नांकित पाठ्यक्रमों में सत्र 2019-2020 में नियमित अध्ययनरत छात्रों की अगली कक्षा या सेमेस्टर में अंतरिम अस्थायी प्रवेश हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए थे, जिसकी अंतिम तिथि 10/8/2020 थी, जिसको बढ़ाकर 25/8/2020 तक किया जाता है। पात्र अभ्यर्थी अकादमिक शाखा में संपर्क कर प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करना सुनिश्चित करें, जिसमें प्रवेश शुल्क निम्नानुसार रहेगा। तो यहाँ जो प्रवेश शुल्क है वो निर्धारित किया गया है। MBA थर्ड सेमेस्टर की जो फीस है 10,000 रुपये है। MSc मैथमेटिक्स की थर्ड सेमेस्टर की फीस 5,000 रुपये है। LLM फाइनल ईयर की जो फीस है 10,000 रुपये है। और MA एजुकेशन फाइनल ईयर की जो फीस है 10,000 रुपये रखी गई है। तो यह है, इनमें हम आवेदन 25/8/2020 तक कर सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने महत्वपूर्ण नोटिफिकेशंस के संदर्भ में विस्तारपूर्वक चर्चा की। आशा करूँगा कि जानकारी आप लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी एवं महत्वपूर्ण रहेगी। फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ। तब तक बने रहे RBSC विद HSM के साथ। जय हिंद, जय भारत।